तो नमस्कार मंडली, कैसे गए? फिर से एक बार स्वागत है आपके लाड़की बहू के चैनल पे, जिसका नाम है ब्लॉगर बहू। और आज मेरे पीछे देख सकते हो अपने डार्लिंग खड़ी है। और आज डार्लिंग को फाइनली हम लोग लेके आए पीपीएफ करवाने, जैसे कि जो कोटिंग चलता है। और पीछे मेरे देख रहे हो ये जो दी यूनाइटेड, आपको दिखाता हूँ ये जो शॉप है। मैं ऑनलाइन चेक करा, बहुत सारा अच्छा उनका वर्क था, तो मैं बोला चलो इनके पास जाते, तो आपको पूरा दिखाते हैं पीपीएफ कैसे रहता है और कितना पैसा लगता है और उसका कितने साल तक वारंटी रहता है, कौन सा अलग अलग क्वालिटी आता है। तो दोस्तों लास्ट तक अपना वीडियो देखना, मज़ा आएगा बहुत। और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत अपने भाऊ को। तो ये वो शॉप है द यूनाइटेड ऑटो स्पा, इसका लोकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देता हूँ। ये कल्याण में है, कल्याण वेस्ट में, गोदरेज हिल के पास। तो एक बार विजिट करना, अच्छा शॉप। ओके बस, तो मैंने इनका क्वालिटी वर्क देखा, पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है, समझ रहे हो? लास्ट तक दिखाता हूँ कितना पेमेंट होता है अपना। ये अपना गाड़ी है होंडा सिबी 200X, तो आज इसको अपन पीपीएफ करवाने लाए। तो चलिए शुरू करते हैं, तो अपन करते हैं स्टार्ट। आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे क्या पीपीएफ रहता है और कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा गाड़ी यहाँ पे आ गया है। तो अभी पानी वॉश हो रहा है, बिकॉज अभी हम लोग शोरूम से डायरेक्टली गाड़ी यहाँ पे लेके आए, अम्बरनाथ से हम लोग ने गाड़ी लिया था। तो फाइनली हम कल्याण में आ गए, कल्याण में अभी गाड़ी पूरा अपना वॉश हो रहा है। पहले पानी वॉश होगा, उसके बाद फिर अपना फोम वॉश होगा, और फोम वॉश के बाद गाड़ी अंदर जाएगा। तो ऐसे फिर ये सिस्टमेटिक एकदम टकाटक काम होते रहता है, ठीक। तो आइए पहले फोम वॉश ये सब होने के बाद अभी आगे देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली भैया ने अभी फोम वॉश स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो फोम वॉश एकदम छोटा छोटा पार्ट में भी ये जो फोम है, जैसे ये शैम्पू है, पूरा जाएगा। और थोड़ी देर बाद उसको 5 मिनट ऐसे रखेंगे, वो पूरा डीपली एकदम जो गंदा पार्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो उसमें अभी एक बंदा, ये जो बंदा है इनके पास हाथ में जो आपको रुमाल बोल सकते हैं, फिर कपड़ा बोल सकते हैं, जैसे कि बाकी शोरूम में देखते हो ना, मैं शोरूम मतलब सर्विस सेंटर में, एक ही कपड़ा बॉडी पे भी लगाते, एक ही कपड़ा मडगार्ड पे भी और एक ही कपड़ा टायर में भी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर एक के लिए हर एक कपड़ा, कपड़े का क्वालिटी भी अच्छा है। जैसे माइक्रोफाइबर जो बोलते हैं ना कपड़ा, वो कपड़ा यूज़ करते हैं, जिसके कारण अपने को जो टंकी है या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट है उस पर स्क्रैचेस ना आए। तो ये बंदे बहुत प्रोफेशनल है अपने काम में, मुझे अच्छा लगा। मेरा इतना पैसा गया बट मेरा क्वालिटी काम हुआ वो अच्छा लगा। तो आप देखना लास्ट तक कि मेरा कितना पैसा गया और क्या क्या काम हुआ है मेरे गाड़ी में, ठीक। तो आ जाइए लास्ट तक देखते अपना वीडियो। तो फाइनली दोस्तों अपना जो पीपीएफ का काम है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि अभी अपना पानी वॉश हो गया, फोम वॉश हो गया, उसके बाद थोड़ा एयर ड्रायर जो हेयर ड्रायर, एयर ड्रायर है, एयर ड्रायर से पूरा बॉडी को सुखाया और थोड़ा सही से रखा ड्राई होने के लिए। उसके बाद अभी इन्होंने, ये जो दो बंदे हैं, तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया पीपीएफ का। तो ये जो पीपीएफ है कौन सा क्वालिटी है, ठीक, और कितना एमएम का है, क्या उसको बोलते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, तो आइए डायरेक्टली इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि कौन सा अच्छा रहता है, कौन सा बजट फ्रेंडली रहता है और कौन सा ज़्यादा टिकता है अपना पीपीएफ, पीपीएफ कराए या फिर सेरामिक कोटिंग कराए या फिर जो बोलते हैं पीपीसी, जो आपका सेरामिक कोटिंग जो है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मुझे पता चले कि ऐसे ऐसे होता है। तो आइए डायरेक्टली भाई से पूछते क्या क्या रहता है करके। ये जो पीपीएफ मैं लगा रहा हूँ, हाँ हाँ, ये पीपीएफ इसको बोलते हैं टीपीयू, टीपीयू, ओके, हाँ, इसको ये सेल्फ हील है, सेल्फ हील होता है, हाँ सेल्फ हील होता है, इस पर छोटा मोटा स्क्रैच आता है, हाँ, तो अपने आप हील हो जाता है धूप से, और सबसे अच्छा मटेरियल यही होता है टीपीयू का, टीपीयू का। अभी आप देख सकते हैं, हाँ, एकदम आराम से बैठता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो कॉस्टिंग रहता है, तो वो कॉस्टिंग कैसे ये रहता है, मतलब कौन से गाड़ी पे कितना ऐसा कुछ? जैसे एक इसमें का मैट आता है, हाँ, एक ग्लोसी आता है, ओके, जो मैं लगा रहा हूँ ग्लोसी, ये जो पेंट होता है वो पेंट के लिए ग्लोसी रहता है, okay. और जो मैट रहता है गाड़ी, हाँ, उसके लिए मैट पीपीएफ आता है, मैट पीपीएफ आता है, जो मैं लगा रहा हूँ, हाँ, ग्लोसी गाड़ी है, ग्लोसी गाड़ी, हाँ, और ग्लोसी पीपीएफ है, ओके ओके। तो अप्रोक्स इसका प्राइसिंग कितने से स्टार्ट होता है, अगर फुल कोई बंदा चाहता है फुल बॉडी करवाना है तो कितने तक जाएगा अप्रोक्स प्राइस? भाई मैं नहीं बता सकता।
अभी ये बता तो नहीं सकते कैसा है, अलग अलग प्राइसिंग रहता है, तो अभी वीडियो में बता देंगे प्राइसिंग, तो तुम बोलोगे यार वो कम ले रहा है, तुम ज़्यादा ले रहे हो ऐसा, तो यार वो कैसा है, वैरी करता है हर सिटी में, हर एरिया में वैरी करता है, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग रहता है सबका। तो ठीक है, अभी आगे देखते फाइनल इसका जो लुकआउट आएगा वो देखते कैसे क्या है, और क्वालिटी दिखा तो इसका लास्ट में पूरा एंड होने के बाद। तो फाइनली दोस्तों अपना गाड़ी का जो पीपीएफ का काम था वो हो गया, अभी कोटिंग चढ़ेगा, देख सकते हो चमक रहा है ना गाड़ी एकदम ठगाटक। ये सचिन भाई, इन्होंने अपना काम किया और इनके साथ ये बंदा है, दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया। सचिन भाई धन्यवाद, गाड़ी देख सकते हो आप पूरा एकदम शाइन कर रहा है, क्या नहीं ग्लॉसी एकदम पूरा। हमने फुल बॉडी पीपीएफ करवाया, अभी जो बाकी का आपका फाइबर का पार्ट दिख रहा है वहाँ पे सेरेमिक कोटिंग चढ़ेगा, देख सकते हो अभी गाड़ी। और ये अपने आप ही हील होता है, अगर स्क्रैच कुछ पड़ा तो अपने आप ही हील हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सेरेमिक चल रहा है, तो भाई सेरेमिक और जो हम घर में पॉलिश करते हैं उसमें क्या फर्क रहता है? भाई इसमें कैसे बताएगा, हाँ वो जो अपन लोग नॉर्मल पॉलिश करते हैं ना उसका शाइन है ना हाँ खाली 2-3 दिन दिखता है, ओके और इस सिरेमिक का शाइन कैसा बताएगा, ये हाँ आपको कम से कम गाड़ी वॉश करने के बाद ये शाइन है ना, जैसा सिरेमिक टाइम करने के बाद ग्लो हो रहा है ना हाँ वैसा ही वॉश करने के बाद वो दिखेगा। ओके, मतलब आपका बोलना ऐसा है कि जो घर में पॉलिश करते हैं हाँ वो बस बस 2 दिन की चांदनी है, हाँ बस राइट, और जो बाकी सेरेमिक करते हैं ये कैसे थोड़ा मतलब अच्छे महीने तक चलता है और इस पर हाँ पानी वानी ठहरता नहीं है, तो यही फायदा है भाई सेरेमिक कराने का। तो जितने भी आप कॉस्ट लगा रहे हो तो भाई वो कॉस्ट में आपको क्वालिटी काम करके मिल रहा है, तो पैसे के ऊपर ध्यान मत दो, क्वालिटी काम के ऊपर ध्यान दो, मार्केट में करने वाले सस्ते में भी है और महंगे में भी है, बस क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान दो बस। तो फाइनली दोस्तों अपना गाड़ी का एकदम काम टकाटक कर दिया है, गाड़ी देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो पूरा एकदम चमक रहा है गाड़ी, सेरेमिक के साथ साथ पीपीएफ भी हो गया। तो गाड़ी का एक नंबर काम किया है इन लोग ने, इनका नाम है द यूनाइटेड ऑटो स्पा, अगर आपको भी आना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर और एड्रेस दे दिए, आप एक बार डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। अभी दोस्तों इसका जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ा जैसे मैंने बोला था, तो कॉस्टिंग अप्रोक्स 10K पड़ा, 10,000 PPF विद सिरेमिक कोटिंग, और इसमें 5 साल का वारंटी दिया मुझे कि ये निकलेगा नहीं करके, और अच्छा क्वालिटी है इसका, तो 5 साल का वारंटी, 10,000 में हुआ मेरा काम, और कल्याण बेस में मैंने काम किया ये, ठीक है। तो अगर आपको भी करना है, वैसे मालूम है थोड़ा बहुत ये गया, ज़्यादा ही पैसा गया, बट काम एक नंबर हुआ, मैं सेटिस्फाई हूँ काम से, बस अभी 2 दिन बाद देखना है कि ये PPF का जो बोले वो कैसे होता है। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे से 2 बंदे, और एक तीसरा जो और 2 बंदे थे जो उन्होंने PPF किया था, तो PPF जो किया तो थोड़ा सा डाउट है मेरे को कि डॉट डॉट आया, तो वो देख रहे हैं कि बोलते हैं 2 दिन में हो जाएगा, मतलब जैसे धूप पड़ेगा तो हो जाएगा, अच्छी बात है देखते। और दूसरी बात जो ये बंदे इन्होंने जैसे वॉशिंग कराया सेरेमिक चढ़ाया सही से, तो इन्होंने पूरा दिल मतलब ऐसे काम किया कि जैसे अपना खुद का गाड़ी है, तो पूरा 200% काम किया है एकदम एक नंबर। तो धन्यवाद भाई अपने गाड़ी को इधर टकाटक करने के लिए, धन्यवाद भाई थोड़ा। तो यार अगर आपको भी आना है तो सीधा डायरेक्टली आ जाना, नंबर तो दे दिया मैंने, तो आओ इनको मिलो और सीधा अपने गाड़ी को एकदम चकाचक करो ऐसा एकदम टकाटक वाला। तो ऐसे ही फिर आगे आगे वाला जो ब्लॉग है हमारा तो वो आने वाला है, अपने भाव को सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी।